सवाल है कि कारखाना देखलिए कि विधानसभा के एक क्वेश्चन बता रहे कि 14% से 27% का रिजर्वेशन होना चाहिए। बिहार झारखंड अलग अलग 2000 बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर से तो मंत्रिमंडल के सदस्य खुद प्रदीप यादव से हम प्रदीप यादव का चैलेंज करे कि जोन दिना है फैसला होले कि 27% ने 14% रिजर्वेशन होते ओबीसी का तू कैबिनेट के हो सदस्य छले कि नहीं छले ओकरा में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के नाते साइन कर ले कि नहीं कर ले या प्रदीप यादव का साइन कर ले कि नहीं कर ले। पिछड़ा के दुश्मन बाबूलाल मरांडी प्रदीप यादव छे कि पिछड़ा के दुश्मन कोई छे यदि हिम्मत और हैसियत है तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा उसमें साइन है या नहीं है। तुमने पिछड़ों के अधिकार को 27% से 14% किया या नहीं किया और यदि किया तो चुनाव के समय इस तरह की बकवास करने का क्या फायदा है। दूसरा सवाल है कि एक तो पिछड़ा प्रधानमंत्री बनते कि नहीं बनते दूसर पाकिस्तान का पाकिस्तान में घुसी का मारे वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए। तेसर जे 1,00,000 करोड़ के विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं बुढ़ई डैम बनते कि नहीं बनते एम्स बनते कि नहीं बनते एयरपोर्ट बनते कि नहीं बनते मेडिकल कॉलेज बनते कि नहीं बनते इंजीनियरिंग कॉलेज बनते कि नहीं बनते सेंट्रल स्कूल बनते कि नहीं बनते सैनिक स्कूल बनते कि नहीं बनते नेशनल हाईवे बनते कि नहीं बनते रेल बनते कि नहीं बनते। आखिर है काम यदि होना चाहिए है पैसा ये ला रहे थे कि मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री। और चौथा सवाल है कि जो सामना वाला उम्मीदवार यदि हैरंग वो अपना करेक्टर के बारे में इतना फिसल लो होते तो बहु बेटी सुरक्षित रहते कि नहीं रहते यह आशीर्वाद मांगे हमारा नहीं अलग है। 19 तारीख का वोट से पहला अपना सभी जैसे मतदान करो फिर जलपान करो अरे इतना वोट दो कि सामने वाला के जमानत जब्त हो जाए और 2024 में कोई नेता वोट मांगे गाँव में आ पर तरह की सबके मकान 2 साल में बनते है प्रधानमंत्री जी के सबका पिए के पानी 2 साल में मिलते सबका सिंचाई के साधन 2 साल में मिलते सबका गैस मिलते सबका शौचालय मिलते सबका बिजली मिलते और यहाँ जो एम्स एयरपोर्ट और प्लास्टिक पार्क है इसमें आ रहे थे ओकरा में लोग का रोजगार मिलते। पहला बार प्रधानमंत्री ने 12 तरह से 6,000 रुपया जिसे प्रत्येक किसान के खाता में मिलते 1,00,000 रुपया केसीसी लोन और 5 साल तक बिना सूद के मिलते एक ऐसा विभाग बने थे जरा से सिंचाई और पानी के पूरा देश भर का सुविधा हो जाते सब असुविधा खत्म होते महिला का अगर अधिकार मिलते महिला का नौकरी में आरक्षण मिलते महिला का समाज सेवा में आरक्षण मिलते हर तरह के समाज सहयोग निकलने की चाहिए तो एक ही चीज से संभव से मोदी है तो मुमकिन है अपना अपने आशीर्वाद हो यह शब्द के साथ यही कहूंगा।